नमस्ते दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पेपलम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, और जो मैं स्टेप्स बताऊँगी उसे आप किसी भी साइज़ के लिए पेपलम टॉप की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, तो हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास पहुँचते रहेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पर अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से सिंपल कुर्ती की जैसे कटिंग होती है वो करेंगे। यहाँ शोल्डर लाइन पे मैंने मार्क कर लिया। हाफ इंच ड्रॉप करने के बाद नीचे की तरफ आर्म होल राउंड के लिए मार्क करना है। ये आर्म होल लेंथ पे मैंने मार्क करके इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये चेस्ट लाइन बनेगी। जो भी आपकी फुल चेस्ट लाइन है उसका 1/4 करें और मार्जिन का ऐड करें। अब जो भी आपको टोटल लेंथ रखनी है लेंथ पे मार्क कर लें। अब यहाँ हम पहले आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। जो भी आपने टोटल लेंथ रखी है उसके हाफ में मार्क करके इन दोनों मार्क्स को इस तरह हम कर्व की हेल्प से राउंड शेप देंगे। ये आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। यहाँ जो हमने हाफ इंच ड्रॉप लिया है नेक लाइन तक इस तरह से स्लोप लेना है। अब यहाँ नीचे की तरफ पूरा हम ए शेप में इस तरह मार्क कर लेंगे। इस तरह सिंपल टॉप की मार्किंग हो जाने के बाद हमें यहाँ पर जो भी चोली की लेंथ रखनी है वहाँ पे मार्क करना है। यहाँ मैं 9 इंचेस रखूँगी तो 9 इंच पे हम यहाँ मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से इस तरह हमें राउंड शेप देना है। तो यहाँ पर हम चेस्ट लाइन से करीब 2 इंचेस ऊपर तक इस तरह मार्क करके और राउंड शेप देंगे। टॉप का जो बैक पोर्शन बनेगा वो सेम हमें इसी के ऊपर रखकर और कटिंग करना है, सेम इसी साइज़ का। मगर जो फ्रंट पोर्शन बनेगा उसमें हम ये दो अलग अलग पार्ट्स करके कट करेंगे। देखिए, पहले जो ये राउंडेड चोली है उसको हम अलग कर देते हैं और ये फैब्रिक पर सेम साइज़ की कट होगी। सिर्फ हमें नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का छोड़ना है। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है उसमें फैब्रिक पर क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको आगे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये फ्रंट पोर्शन हमारे दो अलग अलग पार्ट्स में कट होगा। ये पेपर पर पूरी कटिंग हो चुकी है, अब हम फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। देखिए, फैब्रिक में मैंने बैक पोर्शन को सेम एज इट इज़ कट कर लिया है। चोली को भी हम सिर्फ नीचे की तरफ 1/2 इंच सिलाई का छोड़ के और कट कर लेंगे। और इस पोर्शन को हमें, देखिए, जो बंद वाली साइड है जहाँ से राउंड शेप आ रहा है, हमें करीब 3 इंच डबल फोल्ड में इस तरह एक्स्ट्रा लेना है और वहाँ इस तरह स्ट्रेट लाइन करके बाकी सेम कटिंग करनी है। यहाँ हमने एक्स्ट्रा गैदर्स के लिए लिया है। गैदर्स का हमेशा आगे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ना है और बाकी सेम कटिंग करनी है। यहाँ भी हम ऊपर की तरफ सिलाई का भी छोड़ेंगे और बाकी सेम कटिंग कर लेंगे। ये फैब्रिक पर पूरे फ्रंट पोर्शन की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने ये डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को इस तरह आमने सामने रखना है। अब यहाँ जो भी आपको लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच ऐड करें और यहाँ विड्थ में भी पहले हम करीब 1 इंच पे इस तरह मार्क करके ये एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, क्योंकि स्लीव्स में भी हम गैदर्स बनाएंगे। अब इस मार्किंग के बाद जो भी आपकी स्लीव्स की विड्थ है उस पे मार्क कर लें।
यहाँ लेंथ में हम 4 इंच ड्रॉप करके जो मार्जिन का है 1.5 वहाँ तक स्ट्रेट लेके बाकी में हम इस तरह स्लांटिंग लाइन बनाएंगे। अब स्लांटिंग लाइन के ऊपर की तरफ 1/2 इंच में इस तरह गोलाई देंगे और स्लीव्स का शेप कट करेंगे। स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग किस तरह से करते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए इन दोनों स्लीव्स को इस तरह पूरा खोल के यहाँ फ्रंट की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी स्लीव्स इस तरह आमने सामने होनी चाहिए। ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब टॉप की हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट पोर्शन का नीचे वाला साइड है वहाँ पर हमें इस तरह से पूरे में गैदर्स बनाने हैं। मशीन पर ये फिंगर्स का इस तरह से यूज़ करके और गैदर्स बनाएं। अब हम ऊपर की तरफ राउंडेड चोली को स्टिच करेंगे। देखिए मैंने ये सेम साइज़ का एक और फैब्रिक लिया है और जिस पे नेक लाइन की कटिंग करके पेस्ट कर लिया है। ये मैंने सिंपल राउंड शेप में वी कट लगाया है और इसके मेरे पहले भी वीडियोस आ चुके हैं नेक लाइन की कटिंग के। अब इस पूरी नेक लाइन को हम स्टिच करेंगे। यहाँ कॉर्नर्स पर हमें ये पतली डोरी रेडी करके दोनों कॉर्नर्स पर अटैच करना है। इस तरह पूरी नेक लाइन पर हम स्टिच करेंगे। स्टिच हो जाने के बाद यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सेंटर में उसे कट करना है। यहाँ वी शेप पर एंड तक कट लगाएं और जो राउंड शेप है वहाँ पूरे में हम छोटे कट लगाएंगे और इस तरह सीधा कर लेंगे। इन दोनों पार्ट्स को एक रफ स्टिच से जॉइन कर लें। अब इस राउंडेड चोली को हमें नीचे वाले पोर्शन के साथ अटैच करना है। उससे पहले हम इन दोनों को इस तरह चेक करेंगे कि दोनों की गोलाई एक जितनी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करके यहाँ गोलाई में हम स्टिच कर देंगे। आप जब भी किसी में भी गैदर्स बनाएं तो गैदर्स को पहले अच्छे से आयरन कर लें। यहाँ मैंने पहले ही आयरन कर लिया है। आयरन करने से इसको अटैच करने में आसानी होगी। इस तरह ये फ्रंट पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आर्म होल में फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ 1/2 इंच तक हमें अंदर की तरफ लेना है और इस तरह से फिर से कटिंग करनी है। ये कटिंग आप चोली को अटैच करने के बाद ही करें। ये बैक पोर्शन को भी मैंने स्टिच कर लिया है। सिंपल राउंड नेक मैंने कट किया है। अब हम शोल्डर लाइन को स्टिच कर देंगे। शोल्डर लाइन स्टिच होने के बाद स्लीव्स को रेडी करना है। स्लीव्स में भी हमने गैदर्स के लिए एक्स्ट्रा रखा था तो यहाँ भी हम इस तरह गैदर्स बनाएंगे। अब यहाँ अपने आर्म राउंड की मेज़रमेंट के हिसाब से स्ट्रेट स्ट्रिप लेनी है और उसको इस तरह से हम स्टिच करके बाइंडिंग कर देंगे। इस तरह स्लीव्स रेडी होने के बाद ऊपर की तरफ से भी हम यहाँ सेंटर में गैदर्स बनाएंगे। गैदर्स रेडी होने के बाद अब हम इसको टॉपर के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ ध्यान रहे स्लीव्स की और टॉपर की फ्रंट कटिंग दोनों आमने सामने होनी चाहिए।
दोनों साइड हम स्लीव्स को इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब टॉपर को अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से साइड से बंद करना है। साइड्स बंद करने के बाद नीचे की तरफ आपने जितना भी फोल्डिंग कर रखा है उतने तक इस तरह डबल फोल्ड करके और स्टिच कर लें। ये पेपलम टॉप मेरा राउंडेड चोली के साथ रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।